नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी है आए साजन जी है आए। अरे 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 जीना ये क्या कर रहे हैं भाई। अरे भाई ये क्या हरकत है भाई। रुक जाए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे नेता जी को ज्यादा बोलेंगे ना यहीं पे ठोका जाएंगे। क्या कर रहा है? अरे अरे माफ क्या दे रहा है? अरे भाई माफ ये क्या कर रहे हैं भाई जी? नेता जी आप चिंता मत लीजिए, जब तक आपका बॉडीगार्ड रहेगा। अरे उसको भेजो ना। क्या कर रहे हैं भाई? मैं बीबी के साथ डांस कर रहा है यार। तुम आज बैठ करेंगे? ये क्या कर रहे हैं भाई आप? तुम डांस करने लायक हो? नहीं माफ मगर माफ कर दीजिए। अरे आई लव यू। कोई मेरे बीबी के पास नहीं आएगा? नहीं आएगा। तुम्हारी दीदी है यार। दीदी है भाई, नहीं आएगा कोई। मेरी भी दीदी, हमारी दीदी नहीं है। अरे सॉरी। आइए आइए बेटा आपका। आइए बेटा आइए, आप ही हो। अरे माला लाओ भाई, लाइए लाइए लाइए। कहाँ है बेटा? आइए, नमस्कार, आइए आइए, आपका स्वागत है। लाइए आप बेटा, आप आइए, आप आइए। अरे नहीं नहीं आप, अरे अरे भाई, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे यार उसको भेजो। लाइए लाइए लाइए, कॉल ले लिए। आओ बेटा, बेटा तुम तो मेरे ही बेटे हो। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे बारातियों का सम्मान करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्ते। और है और? आ बेटा तुम भी पहन लो। अरे यार हमको भी माला पहनाओ यार। अरे हमको आ तो खत्म हो। ए, तुम कहा माला पहनाने जा रहे? मारेंगे आप ये। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? गांधी जी है भैया। उसको माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं भाई जी? आप माला पहना रहा है बीबी को। अरे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। तो तुमको पहना है? नहीं बस। आप बेटा आप ही हैं। अरे आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई कन्या को बुलाओ। अरे यही कन्या क्या कर रहे भाई? आए हाय। अरे यार, अरे भाई ये क्यों आप जा रहे हैं बार बार वहाँ? बहुत अच्छी लग रही है इसलिए। बैठो बेटा बैठो 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 बेटा। हम तो उसी को देखेंगे। इल्लू यार तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे भाई, अरे इसको बहुत जल्दी अरे यार अभी जब माल होगा तब माला पहनाना। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या बात होती है? बैठो बैठो बेटा बैठो 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 बैठो। अरे भैया जयमाला करवाएंगे, जयमाला करवाएंगे। बेटा तुम भी माला पहनाओ। पंडित जी रुकिए, क्या हो गया जजमान? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? आप इधर आइए, मुझको आपसे कुछ बात करना है। ये क्या बात कर रहे हैं समधी जी? अभी अभी इस समय यही करें? नहीं आप आइए, आगे आइए आइए। अब वो गए बात है कि तुमसे क्या छिपाना, शादी ब्याह तो एक बहाना है, असली तो हमें दहेज लेके जाए। अरे को पहले ही 15 लाख रुपए दे चुका हूँ, अब आप और दहेज मांगने की बात कर रहे हैं? ये क्या बात है? देखो यहाँ ये ऐसा समाज है कि बिना दहेज के कहीं शादी नहीं होती है। उसकी सबकी शादी दहेज के साथ हुई है, तो हम मांग लिए तो क्या गलत कर दिए जी? कोई गलत, पर 15 लाख रुपए दहेज आपको पहले ही दे चुका हूँ, कहीं काट करके मैं अपनी बेटी की शादी कर। तुमको क्या मालूम है, हमारा बेटा जो है ना वो इंजीनियर है, समझे? और मैंने उसको ऐसे स्कूल में पढ़ाया है कि जहां फीस से ज्यादा तो फाइन लगता है। पूछो नहीं, ये बात है आपकी सही,
देख लीजिए, कुछ कर दीजिए आप, अब हम सब मत करिए। अब हमने मांगा ही कहा है 5 लाख रुपया एक फॉर्चूनर तो मांग रहे हैं। हमारा एक लड़का है तो मेरा सपना है कि फॉर्चूनर में घूमे, ओरियन माल का पिज्जा खाए, वो तुम्हारी ऊ बहनिया के साथ। ये क्या हरकत, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं जीजा जी, अरे ऐसे मार देंगे। अरे यार बहन की बात कर रहा तुम्हारी, अरे यार मैं मारता है ना उसको, आप ये ऐसे मार रहे बताइए। अरे आप ऊपर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, देख लीजिए कुछ दहेज में हो जाए अगर। अब तो पक्का दहेज लेके जाएंगे, दोगे तो शादी हो गई, अंदर थदाई होगी। अरे मान मान जाइए, क्या हुआ क्या हुआ, होना क्या है, जो होना था वो तो हो ही गया है। क्या हुआ वो संदीप जी, क्या कर गए हुआ? 15 लाख रुपए दहेज पहले से ही दे चुका, अब और दहेज की मांग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बोलूं बताइए जीजा जी, अब क्या कर, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब तुमने पहले ही दहेज दे चुका है तब वो बीच शादी में दहेज कैसे मांग सकते हैं? अब क्या बोलूं मैं उसके बारे में, अब देखिए अब शादी 20 मंडप में टूट जाएगी। चलो मैं बात करता हूँ, कैसे वो दहेज ले सकते हैं, दहेज लेना गलत बात है कि नहीं? चलो मैं बात करता हूँ, इसको हटाओ वरना थूक देंगे। अरे अरे माफ कर, इसको हटा दो। अरे भाई एक, अरे सामने से हटा दो। अरे एक, अरे भाई तू इधर हो जा भाई, अरे एक एक सुन लीजिए थोड़ा, प्यार से बतिया। हाँ 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 संदीप जी, हम प्यार से बात करेंगे, कह रहे हैं क्या दिक्कत हुई शादी में? देखिए आपको हम क्या बताएं, हमने तो बस 5 लाख रुपया एक तो फॉर्चूनर मांगा है और ये देने से मना कर रहे हैं। हमारा एक ही तो लड़का है, हमारा सपना है कि हम फॉर्चूनर में घूमें। लेकिन बात तो पहले हो चुका था कि आप 15 लाख रुपया लेंगे, आप 15 लाख रुपया दिला चुका है, अब आप भी शादी में कह रहे हैं कि और पैसा चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बेटी का इज्जत देखिए। देखो भाई हमको बेटी होती नहीं, हमारा एक तो बेटा है, हमको चाहिए फॉर्चूनर, दोगे अब 5 लाख दे दोगे तो ये शादी होगी। अरे ठीक है, अरे भाई मान जाइए, मान जाइए, ये दीजिए, ये आपके चरणों में मान जाइए, बिल्कुल थोड़ा मोहलत मान जाइए, बिल्कुल नहीं, हमको 5 लाख दहेज, आई तो 5 लाख नहीं, 1 लाख खड़ा करो, शादी होगी। थोड़ा टाइम दे दीजिए, 15 लाख रुपया हम लोग और दे देंगे। नहीं थोड़ा टाइम नहीं, यहाँ सूद ब्याज थोड़ी चल रहा है, हमको अभी चाहिए तो अभी। आप रो क्यों रहे हैं पापा? उठे उठे, आपने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और आज आप मेरी ही शादी के लिए रो रहे हैं। मानते हो उनका लड़का एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, फीस और फाइन दे के पढ़ा है, लेकिन पापा हम भी तो मेरिट पे पास हुए हैं ना? नहीं बेटा नहीं, अब ये क्या करूँगा, ये क्या हमसे शादी नहीं करेगा, हम इनसे खुद बेटे से शादी नहीं करेंगे। अरे अभी देखो इसकी जुबान इतनी चल रही है, हमारे घर जाएगी तब तो हमारे घर में फूंक देगी। सुन लिए हैं आप? हाँ सुन लिए, अब चले जाइए। क्यों जाए, अब जाइए, अब आप जाइए, मेरी बेटी शादी नहीं करेगी। इतनी बेइज्जती के बाद नहीं करेगी, क्या लगता है हम यहाँ रुकेंगे? बेइज्जती आप किए हैं मेरी, जाइए, तुम्हारी चले जाइए, तुम्हारी बेटी निकल जाइए, नहीं हुई तो कभी नहीं होने दूंगा, चलो ये बार आप वापस खेलू बगा।